हेलो जी, ऑरेंज एंड टील कलर ग्रेडिंग तो आपने ज़रूर की ही होगी अपनी फ़ोटोज़ में, बट जिन फ़ोटोज़ में वो कलर्स ही नहीं है उन फ़ोटोज़ में ऑरेंज एंड टील कलर को कैसे ऐड करें, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस फोटो में कलर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डल है और स्किन टोन भी बिल्कुल डल सी है। ओवरऑल पूरी फोटो के कलर डल है, बट डोंट वरी, लाइटरूम बना ही ऐसी फ़ोटोज़ के लिए है। सबसे पहले इस फोटो की हम लाइटिंग को एडजस्ट करेंगे। लाइटिंग वाले टैब में जाने के बाद हाईलाइट इसके कम करेंगे। सो यहाँ पर मैं बिल्कुल हाईलाइट कम कर दूंगा, आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से करना, क्योंकि मेरी फ़ोटो में जो हाईलाइट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बिल्कुल मैं इसको कम कर दूंगा। शेडोज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, वाइट्स को भी थोड़ा सा आपने इंक्रीज़ कर देना है और ब्लैक को थोड़ा सा आपने कम कर देना है। सो लाइटिंग में आपको ये चार सेटिंग रखनी है, देन फिर आपको जाना है कर्व में। कर्व में आपको सबसे नीचे से ये सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे एक पॉइंट बना के इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आना है एंड एक नीचे पॉइंट इसको बिल्कुल थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ करना है एंड डन। सो इससे हमारी फ़ोटो में एक कंट्रास्ट ऐड हो जाएगा। सो अब आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर लाइटिंग के बाद। फिर आपको जाना है कलर वाले ऑप्शन में, वाइब्रेंस को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, मैं अराउंड 14 के आसपास इसकी वैल्यू रखूँगा। देन फिर आपको जाना है कलर ग्रेडिंग के ऑप्शन में। कलर ग्रेडिंग में ही हम इस पूरी फ़ोटो के कलर्स को ऐड करेंगे, जो जो कलर हमें चाहिए वो कलर ग्रेडिंग के टूल से ही ऐड करेंगे। सबसे पहले हम हाईलाइट में जाएंगे, हाईलाइट में सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दूंगा अराउंड 50 के आसपास एंड जो इसका ह्यू है वो हम रखेंगे सियान एंड इसका थोड़ा सा ल्यूमिनेंस हम बढ़ा देंगे एंड आप इसकी सैचुरेशन उतनी ही बढ़ाएं कि आपकी ये स्किन पे ना इफ़ेक्ट करे। फिर हम जाएंगे शेडोज़ में, शेडोज़ में थोड़ी सी सैचुरेशन को बढ़ाएंगे एंड फिर ह्यू इसका हम रखेंगे ऑरेंज एंड ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा कर देंगे कम, सैचुरेशन थोड़ी कम कर लेना अराउंड इतना और ल्यूमिनेंस भी इतना। फिर आपको जाना है मिड टोन्स में, मिड टोन्स में सैचुरेशन को आपको बढ़ा देना है थोड़ा सा अराउंड 50 के आसपास और इसका ह्यू आपको रख देना है सियान ही। सो अब आप देख सकते हो आपकी फ़ोटो में एक सियान कलर बिल्कुल ऐड हो चुका है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो इसके भी ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे एंड फिर आपको यहाँ से कर देना है इसको डन। फिर आपको जाना है मिक्स के ऑप्शन में, मिक्स में आपको ब्लू कलर पे जाना है सबसे पहले, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है और ह्यू को थोड़ा सा कम कर लेना है और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है यहाँ पे। फिर आपको डायरेक्ट आना है येलो पे, येलो का ह्यू आपको बिल्कुल कर देना है कम, थोड़ा सा ल्यूमिनेंस आप बढ़ा सकते हो और सैचुरेशन भी थोड़ी सी बढ़ा लेना यहाँ पे एंड फिर आपको जाना है ऑरेंज में। अब ऑरेंज में आपने अपने स्किन टोन्स को सही करना है जो येलो येलो सी हो रही हैं। सो ह्यू थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे कम रेड की तरफ और ल्यूमिनेंस यहाँ पे बढ़ा देंगे जिससे हमारी स्किन ब्राइट हो जाएगी। फिर आपको जाना है रेड में, रेड में भी थोड़ा सा ल्यूमिनेंस बढ़ा लेना है एंड फिर यहाँ से इसको कर देना है डन। अब आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। सो कलर्स हमने अपनी फ़ोटो में ऐड कर लिए, बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो, बट अभी भी वो बात नहीं बन रही, जहाँ हमारा फोकस जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा। सो इसलिए हम जाएंगे मास्किंग के ऑप्शन में, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, रेडियल ग्रेडियंट चूज़ करेंगे एंड कुछ इस तरीके से इसको ऐड करेंगे एंड फिर इसकी पोजीशन हम यहाँ पे रखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ा लेता हूँ और इसको फिर आपने कर देना है इन्वर्ट एंड एक्सपोजर इसका कर देना है कम। इससे आपकी फ़ोटो में आपके ऊपर ही पूरा अटेंशन जाएगा ऑडियंस का एंड थोड़ी सी क्लियरिटी को भी ऐड कर लेंगे एंड इसको करते हैं यहाँ से डन। सो फिर से मास्किंग में जाएंगे, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रेडियल ग्रेडियंट एक और चूज़ करेंगे एंड इसको अपने फेस पे रख देना है। इसे अब की बार आपने थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा लेना है, इतना सही है। फिर हम प्लस के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर एक और लीनियर ग्रेडियंट ऐड करेंगे इस तरफ से, यहाँ से थोड़ा सा एक्सपोजर डाउन करेंगे, थोड़ी सी क्लियरिटी को ऐड करेंगे एंड फिर इसी ग्रेडियंट को हम डुप्लीकेट कर लेंगे। फिर इसको डुप्लीकेट करने के बाद इसको कुछ यहाँ पे प्लेस कर देंगे एंड फिर अब इसको करते हैं डन। सो अब आप देख सकते हो दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर। सो जो हमारी फ़ोटो पहले कितनी ज़्यादा डल थी उसमें हमने कलर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से ऐड कर लिया, आप देख सकते हो। अगर आपको इसमें थोड़े से और कलर्स को ऐड करना है तब आप इसमें थोड़ा सा वाइब्रेंस को और बढ़ा देना एंड अब सही है। सो बिफोर एंड द आफ्टर,
कर्व्स के थ्रू भी आप अपनी फोटोज़ में कलर्स को ऐड कर सकते हो, बट अगर आपको कर्व्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तब आप कलर ग्रेडिंग का टूल यूज़ कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आपको पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो आपका दिल करे वो कर देना, और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर हैंडल आ रहा होगा। और बस मिलते हैं अगली किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।